गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर वगा किचन और मैं हूँ सुमित। आज आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि मैं किस चीज़ की वीडियो डालने वाला हूँ। ये है गाइस वाओ स्किन साइंस ब्रांड की तरफ से एंटी एक्ने फेस वॉश एंड फेस सीरम। ये भी एंटी एक्ने वाला फेस सीरम है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर में है क्या। ये है वाओ ब्रांड का एंटी एक्ने फेस वॉश। एंटी एक्ने का मतलब ये होता है कि इससे आपके पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाएंगे, वाइट हेड ख़त्म हो जाएंगे। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये है कि पैराबेंस नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, कलर इसके अंदर में नहीं है। जब हम इसे अपने हाथों में रब करते हैं तो इसमें से झाग बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सी इसकी झाग है। हाँ, लेकिन एक थोड़ी सी सेंसेशन होती है अपने फेस के ऊपर में। और वो सेंसेशन क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर में डाले गए हैं नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक टी ट्री एसेंशियल ऑयल इसमें डाले गए हैं, नीम लीफ का एसेंशियल ऑयल डाला गया है, मलबरी का ऑयल इसके अंदर में डाला गया है, लिकोराइस का एक्सट्रैक्टेड ऑयल इसके अंदर में डाला गया है। यानी कि इन चारों नेचुरल चीज़ों का ऑयल इसके अंदर में डाला गया है और सारे के सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे जो पिंपल्स है इसके ऊपर में ये वर्क करता है और उसे ख़त्म कर देता है। जो भी हमारा बैक्टीरिया है ना फेस के ऊपर में, उसे ये ख़त्म करता है। रेडनेस एंड इचिंग अगर आपको है, यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और रेडनेस रहती है, इचिंग रहती है, तो ये वाला फेस वॉश आपके लिए है। अगर आपके स्किन के ऊपर में थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, स्कार्स हैं, उसे भी ये कम कर देगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर में एक्ने है, ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, उसे भी ये कम कर देगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे। और इसे मैंने 25 डेज़ यूज़ किया है। 25 डेज़ यूज़ करने के बाद में ये ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं इसे दो बार तीन बार मैं दिन में यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है अंदर बाहर जाने वाला, तो मैं दो बार तीन बार यूज़ कर लेता हूँ। अब गाइस हमारे पास में ऑयल फ्री एंटी एक्ने फेस सीरम। अब ये किस चीज़ से बना? ये नीम लीफ के ऑयल से बना हुआ है, टी ट्री ऑयल से बना हुआ है, और तो और इसके अंदर में डेक्सट्रेन भी है, इसके अंदर में ट्रीपेटाइड भी है। ठीक है ना, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये आपके एक्ने को कम करेगा और आपके जो कॉम्प्लेक्शन है, जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डल है या स्किन के ऊपर में टैनिंग है, ये उसे भी कम कर देगा और आपकी जो स्किन है उसका जो कॉम्प्लेक्शन है उसे ब्राइट कर देगा। यानी कि ब्राइटन कॉम्प्लेक्शन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा ये। और तो और ये आपके स्किन के ऊपर में ऑयल नहीं आने देगा। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, यानी कि हर स्किन टाइप वाला इसे यूज़ कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा उसके लिए रहेगा जिसके स्किन पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ जाता है। ठीक है, मेरे स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ जाता था, पिंपल्स हो जा रहे थे थोड़े थोड़े, तो मैंने इसका यूज़ करना स्टार्ट किया। अभी आप अगर आप इंस्टाग्राम मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको दिख रहा होगा थोड़े बहुत पिंपल्स मेरे फेस के ऊपर में, मैंने अभी लेटेस्ट फ़ोटोज़ में जो डाला था कुछ टाइम पहले, और आजकल की फ़ोटोज़ में भी आप देख सकते हैं पिंपल्स खुद ही कम हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया है, खुद ही कम हो गए हैं, मेकअप तो करता ही नहीं मैं। अब ये देखिए, इसे अब मैंने थोड़ा सा अपने हाथों पर निकाला है, एकदम ही जेल बेस्ड है, एकदम ही जेल टाइप का है। लगाने के बाद में एकदम ड्राई ड्राई, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ ड्राई है या एक्स्ट्रा कुछ ऑयली है। जैसा हमारा फेस होता है नेचुरल, वैसा ही लगता है। अब फेस वॉश देखते हैं, ये भी बिना कलर का है, वाटर कलर का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी भी ये देखिए कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एक बार इसे बाय करना बनता है। चलिए अब इसका एक छोटा सा डेमो देखते हैं। अभी मैं सो के उठा हूँ, स्किन आप मेरी देख सकते हैं, अभी टैनिंग भी है मेरे फेस के ऊपर में। टैनिंग इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल मैं कुछ दिनों से पिकनिक्स बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, तो फिर टैनिंग आ जाती है। अब इस फेस वॉश को हमने जब यूज़ करना है, उसके लिए सबसे पहले आपने फेस के ऊपर में पानी लगा ले, उसके बाद में थोड़ा सा आपने फेस वॉश लेना है। अभी मैंने दबाया भी नहीं था और ये खुद ही गिर रहा था, ये देखिए थोड़ा सा बस मैंने फेस वॉश लिया। अब इसे हाथों में हमने रब करना है,
ये देखिए थोड़ी सी बस जिसके अंदर में झाग आती है, बहुत ज़्यादा झाग इसमें नहीं आती है। जिस भी चीज़ के अंदर में केमिकल्स होते हैं उसी में झाग आती है, जिसमें केमिकल नहीं है उसमें झाग नहीं आती है। अब इसे हमें अपने फेस के ऊपर में सबसे पहले तो अप्लाई करना है, हर एक जगह पे अप्लाई करना है। इसे हमने नॉर्मल फेस वॉश से थोड़ा सा हट के यूज़ करना है, वो आप इस वीडियो में पूरी तरह से सीख जाएंगे, वो तो मेरी गारंटी है। आपको कुछ भी यूज़र मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हमने अच्छे से जी अप्लाई करना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका मैंने प्राइस नहीं बताया और इसकी मैंने क्वांटिटी नहीं बताई, है ना। तो भैया क्वांटिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 30 ml की क्वांटिटी इसकी आती है हमारे फेस सीरम की, और हमारे फेस वॉश की जो क्वांटिटी है वो 100 ml की आती है। और जो हमारा प्राइस है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे कूपन्स अप्लाइड हैं, ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं। अब वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ से आपको पता लग जाएंगे आपके प्राइस, रियल प्राइस, उस दिन के प्राइस जिस दिन आप क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर में, ठीक है। तो प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऑफर्स चलते रहते हैं। अब हमें जी अच्छे से अपने फेस के ऊपर में इसकी मसाज करनी है। मसाज अभी हमने कर ली है हर एक जगह पे, अभी आपने देखी है, नहीं देखी तो बैक जाओ 25-30 सेकंड बैक अभी जाओ और फिर से अभी आओ, फिर आपको पता लग जाएगा कैसे। अब हमने अपने फेस को अच्छे से जी वॉश अप कर देना है पानी के साथ में। वॉशिंग अब हमारे फेस की हो चुकी है, दैट्स इट। अभी आप मेरे फोरहेड के ऊपर में थोड़ी सी टैनिंग देख रहे होंगे, है ना। तो इसके लिए भी अब एक वीडियो आने वाली है, डी टैनिंग के रिलेटेड एक वीडियो जरूर 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 आएगी, क्योंकि मैं अपने फेस के ऊपर में डी टैनिंग करने वाला हूँ। अगर करूँगा तो वीडियो ज़रूर आएगी, उसकी भी वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहें, मिस्टर बग्गा किचन पर। आप इसके ऊपर में अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे। एंड दैट्स इट, अब मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया है टॉवल के साथ में। अब इसके बाद में हमें फेस सीरम का अप्लाई करना है। ये एंटी एक्ने ऑयल फ्री फेस सीरम है वाव स्किन साइंस की तरफ से। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर में कैप भी होती है, उसे मैंने हटा दिया। अब दो बार सिर्फ इसे मैं प्रेस करूँगा, दो बार में काफ़ी कम निकलता है, एक महीना तो आराम से आपकी दोनों ही चीज़ें चल जाएंगी अगर आप दो टाइम इसका यूज़ करते हैं तो। अगर आप तीन टाइम यूज़ करते हैं तो 20-22 दिन 25 दिन चलेंगी, और अगर आप सिर्फ सिंगल टाइम इसका यूज़ करेंगे तो सच बताऊं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं देखो भैया झूठ नहीं बोलता हूँ, बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका यूज़ दो टाइम आपको करना है तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब जी इसे अब मैंने अप्लाई कर लिया अपने फेस के ऊपर में सीरम को, अभी आपने देखा डॉट डॉट ऐसे फेस के ऊपर में लगा के नॉर्मली बस अप्लाई कर लिया, हर इंसान जानता होगा, जो नहीं जानता वो फिर से पीछे जाए और एक बार देख ले, 30-40 सेकंड पीछे चले जाए और देख ले। अब दैट्स इट, अब रेडी हो गया हूँ मैं बाहर जाने के लिए। वैसे अभी पहले नाश्ता करते हैं फिर बाहर जाते हैं। दैट्स इट गाइस, सब्सक्राइब कर दें मिस्टर किशन को। बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।